छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नया रायपुर द्वारा जारी निर्देश के संदर्भ में कोविड 19 के संक्रमण की संभावनाओं को देखते हुए निगम भिलाई के सभागार में आयुक्त रोहित व्यास एवं कोरोना महामारी नियंत्रण दुर्ग के नोडल अधिकारी डॉक्टर सीबी बंजारे ने बैठक ली। कोविड 19 की जानकारी देते हुए बैठक में बताया गया कि देश के अन्य राज्यों में कोविड 19 के बढ़ते प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए जिले में कोविड 19 की रोकथाम एवं प्रबंधन किए जाने हेतु संक्रमण की त्वरित पहचान, जांच एवं उपचार किया जाना आवश्यक है। जिले की स्वास्थ्य संस्थाओं की ओपीडी में सर्दी खांसी बुखार के लक्षणों के साथ आने वाले रोगी एवं SARI के भर्ती मरीजों का 100% कोविड जांच अनिवार्य रूप से किया जाना है। संक्रमण की संभावना वाले व्यक्ति का RT-PCR विधि से जांच किया जाना होगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जिलों को निर्देशित किया है कि वर्तमान में भारत के कुछ राज्यों में कोविड संक्रमण की वृद्धि दर पाई गई है। यद्यपि कोविड 19 का संक्रमण नियंत्रण में है, परंतु कोविड 19 के विषाणु के संक्रमण प्रसार पर निगरानी रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगामी 9 वर्ष एवं त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए कोविड गाइडलाइन के अनुसार 2 गज दूरी, मास्क की अनिवार्यता जैसे नियमों का पालन नागरिकों से करवाना होगा। जिले के प्रत्येक शासकीय एवं निजी चिकित्सालयों में कोविड 19 के क्रियाशील दवाओं की उपलब्धता एवं अन्य तैयारियों के आकलन के लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा। जिले के प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला चिकित्सालय, सुपेला अस्पताल आदि स्थानों पर कोविड 19 के जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कोविड 19 के संदर्भ में राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है 19/12/2023 को। उसके संदर्भ में जो नोडल अधिकारी हैं बंजारे जी और हमारे आयुक्त श्री रोहित व्यास जी ने एक बैठक निगम सभागार में आयोजित किया, जिसमें उन्होंने कोविड-19 के जो तारतम्य में जो गाइडलाइन जारी हुए थे राज्य शासन द्वारा कि दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी, हाथ नहीं मिलाना है, दूर से प्रणाम करना है और लोगों को सामुदायिक जो भीड़ भाड़ है उससे बचना है और सर्दी बुखार जो हो रहे हैं उस तरह के जो मरीज आ रहे हैं उनको अनिवार्य रूप से कोविड का जांच करवाना है। बाकी हॉस्पिटल में जो कोविड के समय जो सुविधाएं दी जा रही थी जांच की और आवश्यक ऑक्सीजन वगैरह की सुविधाएं, सारे का मॉक ड्रिल किया जाना है। इस संबंध में एक बैठक आयोजित करके दिशा निर्देश दिए गए। तैयारियाँ की जा रही हैं और लगभग कुछ तैयारी पूरी भी हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जो कोविड-19 की जांच की जो प्रक्रिया है वो सारे किट वगैरह उपलब्ध करा दिए जा रहे हैं, उसके आधार पे फिर नगर निगम की तैयारी लगभग पूरी है। बैठक में भिलाई क्षेत्र के नोडल डॉक्टर पियाम सिंह, CPM तुषार वर्मा, रितिका सोनवानी के साथ ही स्वास्थ्य अधिकारी धीरेन्द्र मिश्रा, निगम के कर्मचारी अधिकारी एवं निगम क्षेत्र के विभिन्न अस्पतालों से कर्मचारी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।